जिस बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम का सिर्फ इस्तेमाल किया, कभी उन्हें वो सम्मान नहीं दिला पाई जो असल में उन्हें मिलना चाहिए था। अब अंदाजा लगाइए जिसकी शख्सियत ऐसी हो कि अपनों के साथ साथ वो विपक्षियों के भी उतने ही खास रहे हों, तो कैसी होगी उनकी शख्सियत, किस तरह के राजनीतिज्ञ रहे होंगे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन बीजेपी ने उनके नाम का तो भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन बदले में उन्हें कभी कुछ नहीं दे पाई। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी को वो सम्मान दिलाने का बीड़ा उठाया है और कर दिया है बहुत बड़ा ऐलान। जी हाँ, रविवार को आगरा पहुँचे अखिलेश ने बाह विधानसभा में चुनावी सभा को संबोधित किया और यहाँ की जनता से वादा किया कि अगर जरूरत पड़ी तो बाह को एक अलग जिला बनाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अटल जी के सम्मान में बाह को एक अलग जिला बनाएंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने इस मौके पर कहा, आगरा पर्यटन का केंद्र है तो बटेश्वर में धार्मिक पर्यटन का महत्व कम नहीं है। इस क्षेत्र में विकास की बहुत जरूरत है, इसलिए जरूरत पड़ने पर इसे जिला बनाया जाएगा। आगे अखिलेश ने कहा, प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर बाह में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर विश्वविद्यालय बनाएंगे। बटेश्वर में अटल जी के पैतृक गांव में उस यूनिवर्सिटी को बनाएंगे जिससे यहां के लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। फिर बटेश्वर में लगने वाले मेले को लेकर भी अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा। बटेश्वर में ऐतिहासिक मेला लगता है, बीजेपी सरकार ने मेले को बढ़ावा नहीं दिया। अखिलेश ने सरकार बनने पर पर्यटन के नजरिए से मंदिरों का जीर्णोद्धार करने की भी बात कही, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे। बाह को मध्य प्रदेश से जोड़ने के लिए सपा सरकार में पुल बनाने का काम शुरू हुआ था, बीजेपी सरकार में वो पुल पूरा नहीं हो पाया। सपा की सरकार बनी तो नदियों के लिए परियोजना लाएंगे। कुल मिलाकर अब बाह बटेश्वर की काया पलट करेंगे अखिलेश यादव। प्रण ले लिया है अखिलेश ने प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर, अब अटल बिहारी वाजपेयी को वो सम्मान मिलेगा जो उन्हें असल में मिलना चाहिए था। सोचिए जिस जगह पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना बचपन बिताया, जवानी में राजनीति शुरू की, वो जगह उनके लिए कितनी खास होगी। लेकिन अब जो उस जगह की हालत है, उस लिहाज से अखिलेश का ये ऐलान अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐलान है, क्योंकि अटल जी के शहर को, उनके गांव को संजोने के लिए कुछ खास किया ही नहीं गया। अरे बीजेपी जिन अटल बिहारी वाजपेयी का इतना राजनीतिक इस्तेमाल करती है, उनकी यादों को संजोने के लिए कम से कम उनके गांव को तो बेहतर बना सकती थी, वहां की हालत तो सुधार सकती थी। लेकिन बीजेपी का तो जैसे इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं गया, खंडर बन चुका है ये पूरा इलाका, यहां वीरानी छाई रहती है। अटल जी के घर के हाल की आपको कहानी सुनाए तो आगरा शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर बटेश्वर गांव में जाने के लिए बीहड़ से होकर गुजरना पड़ता है। 4 फीट चौड़े साइकिल के रास्ते की वजह से गांव को सड़क तो मिल गई है, लेकिन इस सड़क से 300 मीटर दूर अटल जी का मोहल्ला है, वहाँ का रास्ता अभी भी जर्जर बना हुआ है। मुख्य मार्ग से उतर कर वाजपेयी मोहल्ला जाते ही दोनों तरफ से बीहड़ के बीच से गुजरो तो डर लगता है, क्योंकि सड़क के दोनों तरफ सिर्फ खंडर ही तो है। आगे बढ़ने पर अटल जी के भतीजे रमेश चंद्र वाजपेयी का घर मिलता है। उनके घर से सटा हुआ एक बड़ा खंडर है जहां अटल जी का बचपन बीता था, मतलब बस कुछ ही दीवारें सजी बची हैं जो धीरे धीरे कर ढहे जा रही हैं। कांटे भरे पेड़ों के बीच में से अटल जी के घर तक पहुँचना भी मुश्किल है। हाँ, एक काम ये किया गया कि अटल जी को यादों में जिंदा रखने के लिए वहाँ कुछ साल पहले एक चबूतरा जरूर बना दिया गया, जिसका ख्याल भी अटल जी के भतीजे ही रखते हैं। इस चबूतरे के आसपास भी जंगली पेड़ खड़े हो गए हैं। कुल मिलाकर जिस नेक शख्सियत को भ्रष्टाचार छूकर नहीं गया था, जमीन से जुड़े इतने सभ्य और निपुण राजनेता की यादों को भी संजोने के लिए जब सरकार ने कुछ नहीं किया, तो फिर उनसे और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। जिनके घर के अवशेष का संरक्षण होना चाहिए था, ऐसा राज्य और देश में बीजेपी की सरकार होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब अखिलेश ने वादा कर दिया है कि अटल जी की यादों को संजोने के लिए जो काम बीजेपी को करने चाहिए थे, अब अखिलेश करेंगे, बल्कि हर वो काम करेंगे जिससे अटल जी के गृह जनपद को बेहतर बना सके। अखिलेश यादव के इस ऐलान के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप उनके इस फैसले को कैसे देखते हैं? इस पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।